ये प्लग आपका बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। वो कैसे? आजकल बरसात के दिनों में टीवी, पंखे, चार्जर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो सब खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न आप लोगों को पता होगा कि आसमानी बिजली कड़कने की वजह से हमारे घरों के सर्किट में कुछ ही मिली सेकेंड के लिए हाई वोल्टेज फ्लो करता है, जिसके वजह से वो खराब हो जाता है। और देखा जाए तो जनरली हमारे घरों में जब भी हाई वोल्टेज या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, उसके वजह से भी चार्जर वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इसमें डायरेक्टली इफेक्ट होता है, मतलब ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है और हज़ारों रुपए का नुकसान होता है। तो ये सब से बचने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसे लगा करके सारे चीज़ों को बचाया जा सकता है। ये जो प्लग देख रहे हैं इसी के अंदर इस ट्रिक को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फ्यूज है और इसका काम यही होता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है उस वक्त ये उड़ जाता है और ओवरलोड के समय भी उड़ जाता है। इसके अलावा मेरे पास एक MOB है जिसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, और इसका काम यही होता है कि जब भी हाई वोल्टेज आता है या कोई सर्ज आता है, मतलब कि जब भी कोई थंडरिंग वगैरह होता है उसके वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, उस वक्त इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन होने की वजह से ये दोनों टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो भी इसके पहले जो भी सर्किट लगा हुआ होता है उसको उड़ा देता है। तो हम लोग इस कंपोनेंट का इस प्रकार इसको अरेंजमेंट करेंगे कि ये जो फ्यूज है जब भी ये शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, तो क्या होगा कि इसके बाद जो हमारा आइटम है वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, और इसको अरेंज करने के लिए हम इसी प्लग पे लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी प्लग, कोई भी बोर्ड अगर हम लोग जोड़ते हैं तो बिना प्लग का वो बोर्ड नहीं चल पाता है। तो इस प्लग में ही हम लोग लगा देंगे और इसके बाद जो भी एक्सटेंशन बोर्ड होगा या जो भी टीवी वगैरह चलाने के लिए या चार्जर चार्ज करने के लिए होगा तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे तो आपको हम बताते हैं इसको किस प्रकार लगाना है। इसको लगाना काफ़ी ईजी है और ये जो सारे चीज़ है तो ये सब आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं जाना है मार्केट तो आपको ख़राब वाला LED बल्ब के अंदर आप उसके सर्किट में देखेंगे तो ये जो चीज़ है MOB वो आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो फ्यूज है वो आपको मार्केट से लेना होगा या पहले से है तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस सर्किट को हम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये जो फ्यूज है इसका दोनों साइड से हम वायर को सोल्डिंग कर लेंगे ताकि इसमें जोड़ने के लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले फ्यूज का एक वायर को इस टर्मिनल पे यहाँ पे कस देंगे, यहाँ पे कसा गया, और यहाँ पे ऐसे करके जो बोर्ड वाला एक वायर को यहाँ डालेंगे और MOB का एक लेग को इसी वायर के थ्रू यहाँ पे इस वायर के थ्रू यहाँ पे कस देंगे, इस वायर के साथ इसको कस देंगे इस प्रकार। अब ये हो गया। अब दूसरा में क्या करेंगे कि ये जो फ्यूज है अब इसको और इसका लेग इस सब को और एक यहाँ जो बोर्ड का वायर है, ये जो बोर्ड का वायर है और एक फ्यूज का वायर और एक MOB का, ये तीनों को एक साथ यहाँ पे ट्विस्ट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे इस प्रकार। इस प्रकार जोड़ा जाएगा तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि टेपिंग कर देंगे, इस जगह पे टेप मार देंगे। इस जगह पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा इसका कनेक्शन। इसका कनेक्शन को आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड की तरफ से आया हुआ है दो वायर, जिसमें से एक वायर को हमने इस टर्मिनल पे कसा है और उसके साथ साथ यहाँ पे MOB का एक टर्मिनल को कस दिया है। अब यहाँ पे दोनों को कस करके ये जो टर्मिनल ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरी तरफ वाला टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज का एक वायर को कसा है, उसके बाद जो दूसरी तरफ से फ्यूज का निकल रहा है वो वायर और इस एक्सटेंशन का दूसरा वायर और ये MOB का वायर, तीनों को एक साथ यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। और इससे क्या होगा कि जब भी हमारा इधर से जो भी मतलब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे लाइन से, तो इधर से जब भी हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे
जो MOB है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो फ्यूज है ये उड़ जाएगा, मतलब कि इसके इसको जब भी ये शॉर्ट सर्किट होगा तो इसका लोड इस फ्यूज पे पड़ेगा, तो ये जो फ्यूज है उड़ जाएगा। अब उड़ने की वजह से क्या होगा कि इधर का जो सर्किट में जो भी लगा हुआ आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो बच जाएंगे, मतलब कि इस जगह पे ही सारा खराबी होगा। और जब भी ये खराबी हो या इस इधर लाइन ना आए तो आपको समझ जाना है कि भैया यहाँ पे जो सर्किट लगाए हैं वो उड़ चुका है। तो फिर दोबारा आप इसको चेंज कर ले, 4-5 रुपए में ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो इसको आप चेंज कर लेंगे तो फिर से आप कंटिन्यू वो इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ चला सकते हैं। तो इसके बाद जो इसका कवर वगैरह, इसमें टेप उप मार करके इसका कवर को इस प्रकार लगा देंगे तो देख सकते हैं कवर भी अच्छे से फिट हो जाता है, और जिससे आपको किसी भी तरह का यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा। तो इसका एक और हमने पार्ट बनाने का सोचा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर बना देंगे कि ये जो सर्किट है इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जगह होता है जिसके वजह से ये सर्किट जो है उसमें काफ़ी अच्छे से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते कमेंट जरूर करें कि ये जो सेफ्टी फीचर है वो कैसा लगा। और अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, मतलब कि ये जो सेफ्टी फीचर इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड में ही डायरेक्ट लगाएंगे, अगर वो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करेंगे तो हम वो भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।